ये मामला पहाड़गंज इलाके का है। अंबेडकर भवन में एक सभा हुई थी जिसमें कि कुछ ऐसा भाषण हुआ, कुछ इस तरह की बातें हुई जिसकी कंप्लेन की गई। तो ये कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई है, उसी कंप्लेंट की इंक्वायरी के मद्देनज़र उनको बुलाया गया है। तो इट्स अ नॉर्मल इंक्वायरी, लेट अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। नहीं, कोई ऐसी कल पूछताछ नहीं हुई थी। हमने उन्हें कल नोटिस सर्व किया था कि वो थाने में आके कुछ हमारे जो कुछ सवाल हैं, जो इंक्वायरी में कुछ सब बातें निकल कर आई हैं, तो उनके जवाब दे दें। क्या मैम, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? अभी इट इज़ एट द इंक्वायरी स्टेज। उसमें जो इंक्वायरी में जो समझ आएगा, क्योंकि कंप्लेन मिली है तो उसकी लॉजिकल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनको देख के अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा तो उसमें एफआईआर। पहाड़गंज इलाके का है। अंबेडकर भवन में एक सभा हुई थी जिसमें कि कुछ ऐसा भाषण हुआ, कुछ इस तरह की बातें हुई जिसकी कंप्लेन की गई। तो ये कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई है, उसी कंप्लेंट की इंक्वायरी के मद्देनज़र उनको बुलाया गया है। तो इट्स अ नॉर्मल इंक्वायरी, लेट अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। नहीं, कोई ऐसी कल पूछताछ नहीं हुई थी। हमने उन्हें कल नोटिस सर्व किया था कि वो थाने में आके कुछ हमारे जो कुछ सवाल हैं, जो इंक्वायरी में कुछ सब बातें निकल कर आई हैं, तो उनके जवाब दे दें। क्या मैम, इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? अभी इट इज़ एट द इंक्वायरी स्टेज। उसमें जो इंक्वायरी में जो समझ आएगा, क्योंकि कंप्लेन मिली है तो उसकी लॉजिकल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनको देख के अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा तो उसमें एफआईआर की जाएगी।